राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र माने जाने वाले पंडो जनजाति को लेकर जिले में राजनीतिकरण जमकर हो रही है और भूमाफिया इनका भी सहारा ले रही है। दो गांव के पंडो जनजाति लोगों के बीच वन भूमि को लेकर तनातनी की स्थिति निर्मित हुई, जिसके कारण वन विभाग दोनों ओर से फंसी हुई दिखाई दे रही है। एक गांव के लोग वन भूमि पर अतिक्रमण हटाने की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ गाँव के लोग अतिक्रमण करते हुए वनों को क्षति पहुँचा रहे हैं, जिसे लोकर वन विभाग की टीम ने अतिक्रमण कर रहे लोगों को हटाया तो बात और बिगड़ गई। दरअसल बलरामपुर जिले के वन परिक्षेत्र क्षेत्र वाड्रफ नगर के अंतर्गत ग्राम पंचायत वीरेंद्र नगर के जंगल से लगा हुआ गांव बेकोटपुर, जहां ग्रामीण वीरेंद्र नगर वन भूमि पर अतिक्रमण कर लिए थे, जिसकी शिकायत वीरेंद्र नगर के ग्रामीण वन विभाग को लगातार कर रहे थे। वहीं वन विभाग संगठित टीम लेकर अतिक्रमण हटाने पहुंची और लोगों को झोपड़ी नुमा बनाए गए घरों को खाली कराया और बाकी को स्वतः हटाने के निर्देश दिए गए। वहीं दूसरे दिन मामला नए मोड़ में आ गया। जिन लोगों को वन भूमि पर अवैध अतिक्रमण से हटाया गया, वे वन विभाग के कर्मचारियों पर मारपीट गाली गलौज का आरोप लगाते हुए पुलिस चौकी डिंडो पहुंचे और पुलिस को अलग अलग शिकायतें की गई। पूरे मामले में ग्रामीणों की अलग अलग बातें सामने आ रही है। एक ओर वीरेंद्र नगर के ग्रामीण कह रहे हैं कि गांव के लोग उस वन भूमि से अपनी आर्थिक आय प्राप्त करते हैं, वहां से तेंदुपत्ता संग्रहण के साथ वनस्पति एकत्रित कर अपनी आय का जरिया वन भूमि को मानते हैं और गांव के एक शख्स पर षड्यंत्र का आरोप लगा रहे हैं। दूसरी ओर बेकोटपुर के ग्रामीण कह रहे हैं कि वे 20 सालों से वहां रह रहे हैं, हमें उस वन भूमि से जिस तरह बेदखल वन विभाग के द्वारा किया गया है, तो वह भी लोग वन भूमि पर अतिक्रमण किए हैं, उन्हें भी हटाएं। सारे मामले में वन विभाग ने कहा कि ग्रामीण जनों के साथ जनप्रतिनिधि भी वहां मौजूद थे, उनके साथ किसी भी तरह से दुर्व्यवहार नहीं किया गया है। हम लोग चाहते हैं सर, ये हमारे जो जो हम लोग का सीमा है, हम लोग का जमीन है, हम लोग उसको चाहते हैं जो हम लोग का जंगल बचे। उसमें तेंदुपत्ता का झाड़ था, बहुत हम लोग तेंदू पत्ता को निकाल रहे थे, उसमें औरा बहेरा सब था, कोरिया फर रहा था, उसमें 200 रुपया किलो बिकता था सर। वो सब काट के और वो लोग सब चतरा के मक्का बुने हैं, उसमें तिली भी बोए हैं और धान भी बोए हैं। एक ठे खपड़ेलू छाला था, आधा प्लास्टिक था, आधा खपड़ा का था। तो उसको साहब से हम लोग बोले जे भाई साहब, इसको अनुमति दिया जाए, मैंने 2-4 दिन के लिए मोहलत है, इसको छोड़ा जाए। तो उसको छोड़ दिए। तब फिर उसमें जो वहाँ का एक थे नेता है राम जन्म आदो, उसने रात में घर का तो सब पंडोन के अथी उलार के और जो घर नहीं गिराया गया है उसको भी गिरवा दिए। गिरवा के तो उसमें कह रहे हैं जे यहाँ फारिश वाला आए और मारपीटे किए, गांव वाला आए तो मारपीट किए हैं, वैसा बात कुछ नहीं हुआ। कल हमारे ग्राम बैकुंठपुर में कुछ पंडोन लोगों के बीच में आ करके पुलिस विभाग वाले फारेस्ट वाले और आ करके और जितने हमारे पंडो लोग फारेस्ट में घर बना करके रहते थे, पर वो आ करके और सभी को घर से निकालने लगे, खींचने लगे और घर दूरा को उधारने लगे और किसी को हुरेट रहे हैं तो किसी को मार रहे हैं। इसी के वजह से हम लोग आज यहाँ सबको इकट्ठा होकर के पहुँचे हैं कि आखिर में हमारे ऐसे पंडो जनजाति के बीच में जिस टाइप से किया जा रहा है, दुर्व्यवहार किया जा रहा है। और हम ये चाहते हैं कि हमारे पंडो जनजाति जितने लोग हैं, यदि हम लोगों के बीच में ऐसा व्यवहार किया जा रहा है तो और जगह इस प्रकार की ज़मीनें हैं उस पर भी हम यही मांग करते हैं कि सबका कब्जा हटाया जाए और घर भी टूटा जाए। हम यही सबको निवेदन करते हैं, जितने वो लोग आए थे फॉरेस्ट वाले, सबको यही हम कहते हैं कि वो लोग अगर हमारा कब्जा को जैसे हटाए हैं वैसे दूसरे जगह के कब्जा अतिक्रमण किए हुए हैं और घर बना के रह रहे हैं, अगर उसके पास कोई कागजात नहीं है तो उसको जो है कि तत्काल हटाया जाए। यहाँ का मामला विशेष ये है, वो दो गाँव के बीच में विवाद है आपसी, ग्राम पंचायत वीरेंद्र नगर और ग्राम पंचायत बैकुंठपुर। एक्चुअली यहाँ का मेन मुद्दा वो अतिक्रमण से संबंधित है, जो जंगलों का विनाश कर रहे हैं। यहाँ का ग्रामीण और समिति वालों का सहयोग से कल हटाने का प्रयास किया गया, समझाइश भी दिया गया। वहाँ 2-3 झोपड़ी हम लोग अपने से गिराए जो बिल्कुल घास फूस से बने हुए थे
और छोटे छोटे झाड़ियों का सफाई करके उसमें किए हुए और सबको समझाइश किया गया। हम लोग के समक्ष कुछ झोपड़ियों को उजाड़ा भी किया और जो बड़े मकान मिट्टी के और खपड़े जो थे उनको समझाइश दिया गया कि आप लोगों को नोटिस देंगे और आप लोग को बेदखली कार्रवाई के लिए शासन को लिखेंगे, आप लोग स्वेच्छा से निकाल दीजिएगा तो ज़्यादा बेटर है। एक्चुअली यहाँ के जो निवासी हैं वो जंगल के प्रति बहुत ही सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हैं और इनका सोच बहुत ही अच्छा है। जंगल का जमीन रहना चाहिए और जंगल से वनोपज इनको संग्रहण जो होता था उसका काफ़ी नुकसान हो रहा है। और ये बीट वीरेंद्र नगर का पड़ता है, समिति वीरेंद्र नगर की पड़ती है, जंगल भी पूरा वीरेंद्र नगर के है और जो अतिक्रामक हैं वो दूसरे पंचायत के हैं। हम लोग तो यही कहेंगे, हम लोग गए थे सब ग्रामीणों के साथ में थे, सरपंच भी थे, विदेशी भी थे और यहाँ के मुखिया भी थे, सबके साथ हम लोग गए, सबको समझाए। हमने किसी प्रकार के हमारे वन विभाग के कर्मचारी किसी को द्वेष भाव से नहीं गाली गलौज किया है न मारपीट किया है, उनको समझाइश दिया गया है। रात को ऐसा पता चला कि किसी के द्वारा वो कोई यादव परिवार के हैं, शायद क्या नाम है उनका, राम जन्म यादव, उनके द्वारा पंडो जनजातियों के मतलब आदिवासी भाइयों को बहला फुसला के उनको बहला फुसला के अपना झोपड़ी घर को गिरवाया गया रात को और फंसाने के कर्मचारियों को प्रयास किया गया कि गाली गलौज दे मारपीट कर रहे हैं।